हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे छोले टिक्की चाट, जिसमें छोले की रेसिपी भी होगी और टिक्की की रेसिपी भी होगी। तो ये चाट खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही चटपटी बनती है। तो मेरी ये रेसिपी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने छोलों को ओवरनाइट भिगो लिया था। ये हमारे छोले भीगकर तैयार है। अब हम 2 गिलास पानी लेंगे और इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डालकर पानी को हम उबाल लेंगे, अच्छे से उबाल लेंगे। जो हमने छोले भिगोए थे, अब ये उबला हुआ पानी उन छोलों में डाल देंगे और इसमें हम 5-6 सीटी लगवा लेंगे ताकि हमारे छोलों का कलर अच्छा आए। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको उबाल लेंगे। ये हमारे उबलकर तैयार है। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है। अब हम कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच तेल ले लेंगे। उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा दाना, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और तेज पत्ता, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाला है हमने नमक और पिसा हुआ प्याज टमाटर का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा धनिया, 1/2 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हमने छोले उबाले थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसी का पानी, उबला हुआ पानी इसी में हम ऐड कर देंगे और इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। ये हमारे छोले बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे टिक्की। टिक्की के लिए हम ले लेंगे उबले हुए आलू और इनको अच्छे से मसल लेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ना हमने कुछ मिलाया है ना कुछ और, इसी से ही हमारी इतनी क्रिस्पी और इतनी टेस्टी टिक्की बनेगी कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। एक बार खाएगा बार बार बनाएगा। अब हम लेंगे एक तवा और उस पर थोड़ा घी अप्लाई करेंगे और उन पे रख देंगे हम टिक्की और इसको लो फ्लेम पे सिकने देंगे, जिससे हमारी टिक्की क्रिस्पी बनेगी। और इसे हम पलट लेते हैं। ये ध्यान रहे इसे लो फ्लेम पर ही सेकें। ये हमारी टिक्की देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है। ये हमारी टिक्की बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। हम इस पर डालेंगे छोले। देखो कितना अच्छा लग रहा है इमली चटनी। इस पर डालेंगे कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब हमारी टिक्की छोले खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।